अच्छा तो देखते हैं, हमारे फर्स्ट डोनर हमें मिल चुके हैं, तो ये हमारे सेकंड डोनर। तो आइए आपको मिलवाते हैं हम हमारे धर्मेंद्र ताऊ जी से। ताऊ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में? श्री जगन्नाथ जी महाराज के मेले के अवसर पर ऐसा पुनीत कार्य हम विप्र फाउंडेशन अलवर और रोटरी ब्लड बैंक के बहुत आभारी हैं कि ऐसे पुनीत कार्य को श्री जगन्नाथ जी महाराज के मेले के अवसर पर इन्होंने पिछले वर्ष शुरू किया था। 101 यूनिट रक्त पिछले बार एकत्रित हुआ था, अब यहाँ रक्तदाता आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, आज अच्छी संख्या में रक्तदान की संभावना है। जय जगन्नाथ। तो आइए आपको कराते हैं रूप करी भगवान जी के दर्शन। तो हम आपको मिलवाते हैं हमारे फर्स्ट डोनर अंकल जी से। पीयूष अंकल जी से आप बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हर वर्ष से ये जगन्नाथ जी के मंदिर में मेले के अवसर पर विप्र फाउंडेशन की ओर से जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं आदरणीय बड़े भाई साहब धर्मेंद्र जी की और प्रेरणा से ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ा जोश और उल्लास के साथ कार्यक्रम चल रहा है। पहला रक्तदान हमारे अलवर जिला अध्यक्ष चांदा जी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पिछले 15 साल से। बताइए कुछ ब्लड कैंप के बारे में। भगवान जगन्नाथ जो अलवर के आराध्य देव हैं, उनके वार्षिक मेले के उत्सव पर आज विप्र फाउंडेशन ने अपने बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सभी विप्र बंधु बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अब तक 20 रक्तदान कर दिया है। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जय भाई। जय जय जगन्नाथ। रक्तदान महादान और लगभग लगा ये नवा रक्तदान शिविर। जय जय जगन्नाथ। रक्तदान महादान मेरा नवा ये रक्तदान है और निश्चित रूप से रक्तदान से पहले मेरे बहुत सारी बीमारियां थी और रक्तदान करने के बाद में एक धीरे धीरे परिमार्जन होती रही है और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मानव कल्याण के लिए जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ कोई रक्तदान करने वाला नहीं होता है, तो उनके यहाँ हमारा ये रक्तदान जाता है और उनका जीवन बचता है। कीर्ति दीदी जो ये नेशनल बॉक्सर
भी है तो ये अभी ब्लड डोनेट कर रही है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है दीदू और इनकी मम्मी है। Yeah.